बोकारो के सेक्टर 4 में गणेश मंडली के द्वारा भव्य गणेश पूजा का आयोजन इस बार किया जाएगा। हर साल कुछ अलग बनाकर लोगों का मन मोहने की कोशिश की जाती है। इस बार फिर से गणेश पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बोकारो में इस बार 121 फीट का बुर्ज खलीफा का स्वरूप तैयार किया जाएगा। उसके अनुसार पंडाल बनाया जाएगा, जो दुबई की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। पंडाल में 28 फीट की बाल गणेश प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बाहर से आए कारीगर पंडाल को अंतिम रूप देने में लगे हैं। पंडाल के साथ आकर्षक रूप से भगवान गणेश की मूर्ति को भी बनाने का काम किया जा रहा है। मूर्ति बनाने के लिए मुंबई से कारीगर बोकारो आए हैं। पंडाल और मूर्ति के साथ लेजर लाइट भी आकर्षण का इस बार केंद्र होंगे। पंडाल के बाहर और भीतर लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। 19 सितंबर से 26 सितंबर तक पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन भव्य आरती और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये 2013 से हो रहा है और अभी 23 चला, 10 साल से लोग पूजा कर रहे हैं, और जो कि हम लोग चाहते हैं बोकारो वासियों के लिए हर साल कुछ नया दें, कुछ नया हमारा कॉन्सेप्ट रहे, जिससे पब्लिक में खुशी का एक अलग माहौल बने और बप्पा का दर्शन करने सबको ही आए। इस बार हमारा पंडाल 121 फीट का बुर्ज खलीफा बन रहा है और मूर्ति भी हमारा 28 फीट के हैं, बाल गणेश के स्वरूप में, और 15 दिन से कारीगर काम कर रहे हैं जो कि मुंबई से आए हुए हैं। और पंडाल का ये चंदन नगर बंगाल से भी आए हुए हैं पंडाल के, और लाइट का भी हमारा चंदन नगर से आए हुए हैं, जो कि काम चल रहा और वो अब अंतिम चरण पे है। न्यूज़ विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।